दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करे तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करे तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो, राज्य भोग के बाद प्रभु ने जब दीक्षा स्वीकार किया, 4000 अन्य राजाओं ने भी सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सब पथ भ्रष्ट हुए जब मिला ना कुछ भी खाने को, मिला ना कुछ भी खाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करी तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो। ऋषभ प्रभु ने देख समस्या, अपना ध्यान समाप्त किया, कैसे चले मुक्ति का मार्ग, मन में यही विचार किया, चले जैन मुनियों की तब आहार क्रिया बतलाने को, आहार क्रिया बतलाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करी तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो। जन वस्त्रादिक लाते थे, कोई धन वैभव कन्या ला कर उन्हें दिखाते थे, मंद मंद मुस्काते प्रभु चल देते राह बताने को, चल देते राह बताने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करी तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो। एक वर्ष 39 दिन
पश्चात हस्तिनापुर पहुँचे, तब नवधा भक्ति करने श्रेयांस सोम प्रभु थे प्रगटे। दिया प्रथम वार एक शुरस अक्षय संपत्ति पाने को, अक्षय संपत्ति पाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो, तृतीया पर्व उसी दिन से जग में विख्यात हुआ। जैन साधुओं की आहार क्रिया का तब से ज्ञान हुआ, वही क्रिया चंद नामती दिखला दो सभी जमाने को, दिखला दो सभी जमाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो।